हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा बख्शी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रखते होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नया शॉपिंग हॉल वीडियो। ये सारी शॉपिंग करी है मैंने अमेजोन से। इस बार मैंने हैंडबैग्स मंगवाए हैं, एक आधा ऑर्गेनाइजर भी मंगवाया है, अभी आपको दिखाऊंगी। आपको इसमें से जो भी पसंद आता है उन सबके सेपरेट लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ एक लिंक भी होगा माई हॉल स्टोर करके। अभी तक जितने भी मैंने अमेजोन की वीडियो शूट करी हैं, अपलोड की हैं और जितने भी प्रोडक्ट उसके अंदर दिखाए हैं, वो अगर आप एक ही MHS स्टोर लिंक पर क्लिक करोगे तो वो सारे प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर आपको दिख जाएंगे। तो डायरेक्टली आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, दिखाना शुरू करती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। तो सबसे पहली परचेज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, काफी सुंदर लग रहा है ये हैंडबैग, छोटा सा प्यारा सा है और सारा मोतियों से भरा हुआ है। ये सारा जितना भी आप वर्क देख रहे हो ना, ये इसके ऊपर मोती है, सारा आगे भी और पीछे भी। ऊपर तो बड़े मोती लगाए गए हैं, फिर यहाँ छोटे छोटे मोतियों से सारा वर्क किया गया है और यहाँ पर आप देखोगे ना तो इससे थोड़े बड़े मोती करके चुंटे दी गई हैं। तो ये वह चुंटों वाला जो वर्क है ना, इसको इन्हांस कर रहा है इसके लुक को। इधर से आए, इधर से ऐसा शेप आ रही है इसकी, तो काफ़ी सुंदर ये मुझे हैंडबैग लगा। जब आप तैयार होते हो, पार्टी में जाना हो या छोटा मोटा कोई फंक्शन अटेंड करना हो, सिंपल सा कुछ अपने अपने हाथ में लेना हो, तो उसके लिए बहुत प्यारा है। जैसे मोती वाले जितने भी हैंडबैग होते हैं, ये आपके ज़्यादातर आउटफिट्स के साथ अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ओपन करने में कुछ ऐसा है ये, इसके अंदर आप अपना फ़ोन रख लीजिए, छोटा मोटा जो भी ज़रूरी सामान है वो इसमें आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पर एक जिप और दे रखी है जिसके अंदर आप अपने पैसे रख सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा सा लुक है इसका, आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। जा रही हूँ ये जयपुरी हैंडबैग। ये जो लुक देख रहे हो ये जयपुरी लुक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यहाँ पे झालर मिल जाएगी। इसके हैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पे सारा थ्रेड लपेटा गया है और यहाँ पर मोती लगाकर इसको एक सुंदर सा लुक दिया गया है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगी। खोल के देखें तो इसके अंदर काफी अच्छा स्पेस है, लेकिन कोई छोटी पॉकेट नहीं है। अंदर के कपड़े की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं है, साथ ही साथ जो फिनिशिंग है वहाँ पे भी, आप यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, तो सिलाई तो की गई है लेकिन ये धागे कट नहीं किए गए, मतलब जो एक अच्छी सी फिनिशिंग होती है वो नहीं दी गई है। बाहर का लुक देखें तो बहुत ही अच्छा लुक है, बहुत ही साफ एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसके पीछे की बात करें तो ये है वेलवेट का लुक, ये सारा जो आप कपड़ा देख रहे हो वेलवेट का है। इधर यहाँ पॉकेट दी गई है, ये भी अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है, तो स्पेस के हिसाब से ये बैग अच्छा है। तो अगर स्पेस की बात करूँ तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, लुक काफ़ी अच्छा है, बस जो अंदर ही लगा मुझे कि थोड़ी फिनिशिंग होती तो ये थोड़ा और अच्छा लगता। दिखाने जा रही हूँ दोबारा से जयपुरी हैंडबैग, या फिर आप गुजरात में जो चलती है ना एम्ब्रॉयडरी वो कर लीजिए। बिल्कुल बहुत ही प्यारा हैंडबैग है ये और बहुत ही बड़ा सा बैग है ये। मुझे इसकी एम्ब्रॉयडरी काफी सुंदर लगी, बहुत सारे कलर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आप वहां पे देख लेना आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। मुझे इस लुक में ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको ऑर्डर किया है। ये सारे पैचेस हैं अलग अलग और क्वालिटी एकदम सुपीरियर क्वालिटी आई है, ये बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा हैंडबैग है ये। तो मैं दिखाऊं आपको तो इसके हैंडल्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी और अंदर मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी बड़ा है ये बैग, और पीछे से दिखाऊं तो ये इतना खुल जाएगा, इतना ये ओपन हो रहा है पीछे से। नीचे भी एम्ब्रॉयडरी है देखिए, तो कहीं भी इन्होंने क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है।
इतना बड़ा हैंड बैग बन जाएगा आराम से आप इसको इधर ऐसे कैरी कर सकते हो, और ये इस ड्रेस के साथ भी अच्छा लग रहा है ना। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर एक और अंदर जिप है, जिप आपको ज़्यादातर सभी हैंड बैग्स में अंदर मिलती ही मिलती है, तो ये अंदर यहाँ पे जिप मिल जाएगी पैसे वैसे रखने के लिए। अंदर का कपड़ा मैंने जैसे कि बोला बहुत ही अच्छा है, और ये हैंड बैग्स जो होते हैं ना ये हाथ से एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ये वो वाले बैग्स होते हैं जो अभी जयपुरी दिखाया वो भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है। दिखा रही हूँ एक और हैंडबैग कह लीजिए, या फिर अगर आप ऑफिस जाते हैं तो साथ में अपने पर्स के साथ इसको भी कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर अपनी बॉटल रख सकते हैं, लंच बॉक्स रख सकते हैं, या फिर आपका जो भी कुछ ज़रूरी सामान है वो इसके अंदर आ जाएगा। कपड़े की बात करूँ तो मुझे कपड़ा आगे का भी बहुत अच्छा लगा और पीछे का भी बहुत अच्छा लगा। हैंडल इसके काफ़ी मजबूत हैं, कपड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार सा कपड़ा लगे, मुझे अच्छा लगा इसका कपड़ा। और ऐसे वाले जो बैग्स होते हैं ना उनकी एक सस्ती क्वालिटी भी आती है, वो देखते पता चलती है कि वो क्वालिटी सस्ती क्वालिटी है, लेकिन ये क्वालिटी की बात करूँ तो ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। खोलने पर आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा मजबूत कपड़ा मिलेगा, कपड़ा जो है आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा लेकिन ये कपड़ा काफ़ी अच्छा कपड़ा है। यहाँ पर एक पॉकेट है अंदर, जिसके अंदर वही आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हो, और इसके पीछे कोई भी पॉकेट नहीं है, पीछे ये प्लेन है बिल्कुल। तो जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मुझे इसका लुक जो था वो आम ही लगा था, लेकिन अगर इसको देखा जाए कि आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर आप स्कूल में टीचर हैं, अभी तो स्कूल खैर खुले नहीं है लेकिन आना जाना टीचर्स का है स्कूल में, आप इस तरह से इसको कैरी कर सकते हैं। मतलब इसमें आप अपना पर्स के साथ एक ज़रूरी सामान भी इसमें अपना ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये दो पाउच, और ये दो के सेट में ही आते हैं, दो लेने ही पड़ेंगे, तो एक मैं रख लूँगी एक मैं किसी को दे दूँगी, और दोनों अंदर से एक ही जैसे हैं इसलिए मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ। सारा ये जो आप देख रहे हो ये एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर, आगे भी और पीछे भी लुक में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ से आप देखो तो यहाँ पर जिप लगी है, यहाँ जिप लगी हुई है, और इधर से ओपन करना है इसको, और यहाँ से ये ओपन हो जाता है इस तरह से है ये। इसके पीछे भी आपको स्पेस मिलेगा रखने के लिए, तो इसके अंदर काफ़ी जगह है, आप अपनी चेंज रख लीजिए या छोटा मोटा जो भी कोई अपना डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, छोटा सा जैसे कि आधार कार्ड ही हो गया वैसे आप रख सकते हैं इसके अंदर। तो आप पर्स में इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, देखने में भी सुंदर लगता है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसके कपड़े की बात करूं तो यहाँ पर ये कपड़ा नहीं है, हालांकि ये सारी एम्ब्रॉयडरी है कपड़े के ऊपर, लेकिन जो अंदर है ये कपड़ा नहीं है, ये आजकल वो जो पॉली बैग्स आते हैं ना जो वॉश भी हो जाते हैं, कपड़े जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं है, ये वही वाला यहाँ पर यूज़ किया गया है, और बाहर यहाँ पर कपड़ा है और एम्ब्रॉयडरी की गई है। दिखाने जा रही हूँ एक और ऑर्गेनाइजर, ये मैंने खुद पहली बार मंगवाया है। ये ऑर्गेनाइजर को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पाउच है सिर्फ, ये देखिए, लेकिन इसकी क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी, अंदर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पाउच रिसीव हुआ है, और ये वॉश भी हो सकता है, वॉशेबल है ये। अब मैं बताती हूँ कि इसको मेनली वहाँ पे क्या लिखा था, किस लिए यूज़ होता है। तो ये सैनिटरी नैपकिन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपने अपने पर्स में दो चार सैनिटरी नैपकिन्स रखने हो तो उसके लिए आपके लिए ये पाउच है। आप इसके अंदर आपके, मेरे ख्याल से तो जो थिन वाले होते हैं वो चार आराम से आ जाएंगे। इसके अंदर प्रिंट्स कलर बहुत सारे हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा, आपको कैसा लगा मुझे बताना।
तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऑर्गेनाइजर। ये ऑर्गेनाइजर जो है जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तब उस पर्पस के लिए काफी अच्छा है। ये इस तरह से है, क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छा है। इसके अंदर आप अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हो या फिर आपका जो भी जरूरी सामान है वो इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ से एक डोरी है जहाँ से ये इस तरह से बंद भी हो जाएगा। और ये जो आप फूला फूला देख रहे हो या ये इसलिए है कि जब आप इसके अंदर अपनी कोई कांच की बॉटल रखो या कुछ ऐसा जो टूटे ना ये उसके लिए है। तो ये ऊपर से ही फोम जैसा बनाया गया है। अंदर मैं इसकी बात करूं तो अंदर आपको एक पाउच यहाँ पर अटैच मिलेगा। इसमें भी आप अपना कुछ भी मेकअप से रिलेटेड या कोई ज़रूरी जो भी आइटम है जो आपको फट से चाहिए हो वो सब रख सकते हो। स्पेस इसके अंदर भी काफ़ी है और इस साइड आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगी। ये नेट वाली पॉकेट है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। और इसके अंदर आपको ये प्लास्टिक का एक पाउच मिलेगा जिस पर बटन लगा हुआ है। तो ऐसा वाला सामान भी इन्होंने इसमें रखा हुआ है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो कि मैं आपको थोड़ा सा ना इसको उल्टा करके दिखाती हूँ फिर पता चलेगा। तो ये जो है यहाँ पर लास्टिक दिया गया है, इस तरह से यहाँ पे स्टिच किया गया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब तीन बॉटल्स आप कोई भी यहाँ पर अटैच करके रख सकते हो। तो ये बॉटल इसमें खड़ी हो जाएंगी। तो मेनली तो ये वहाँ पर ये इसलिए दिखाया गया था कि आप इसमें अपना मेकअप का सामान रख पाओ। अगर फिर भी आपके मन में कुछ है तो ये आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो कि मेकअप नहीं इसमें कुछ और भी रख सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, नीचे से राउंड है और बंद होके ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुछ भी पसंद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। अब करूंगी वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। खुश रहिए, मस्त रहिए।